हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, तो आज हम उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि यूट्रस की यूट्रन कैंसर क्या होता है या फिर यूट्रस कैंसर क्या होता है। यूट्रस कैंसर को हम यूट्रस ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं, और जो यूट्रन कैंसर होता है वो यूट्रस में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है सेल्स की, उसे हम कहते हैं यूट्रन कैंसर। तो फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि यूट्रन कैंसर क्या होता है। तो यूट्रन कैंसर क्या होता है, हम इसको एंडोमेट्रियल कैंसर भी कह सकते हैं या फिर यूट्रस कैंसर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेलेग्नेंट ग्रोथ होती है। मेलेग्नेंट यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह में फैल सकती है, वो उसे हम कहते हैं मेलेग्नेंट ग्रोथ। और ये यूट्रस की लाइनिंग में अकर होती है, जैसे कि एंडोमेट्रियम में अकर होगा या फिर मायोमेट्रियम में या फिर पेरिमेट्रियम में, तो उसे हम कहते हैं यूट्रन कैंसर। यानी कि यूट्रस में क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है सेल्स की जो मेलेग्नेंट फॉर्म में होती हैं, उसे हम कहते हैं यूट्रन कैंसर या फिर यूट्रन ट्यूमर, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि ये है हमारा यूट्रस, यहाँ होती है हमारी सर्विक्स, और ये होती है हमारी बेदाना, और ये होगी हमारी फेलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस का फंडस पार्ट हो गया, और ये है हमारी ओवरी बोथ साइड। तो जब यहाँ पे यूट्रस की लाइनिंग में कोई सा कैंसर अकर होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है सेल्स की, उसे हम कहते हैं यूट्रन कैंसर। यानी कि कैंसर क्या है, कैंसर यूट्रस में, या फिर हम कहते हैं हिंदी भाषा में हम कहें तो बच्चेदानी में कैंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या है, इसकी रिस्क कब इंक्रीज होती है, इसकी इंक्रीज एज किसी भी जो एज है वो इंक्रीज हो चुकी है, जैसे कि ये 15 ईयर पे ज़्यादातर अगर होता है। नेक्स्ट है नर्वी वेराइटी, यानी कि जिस लेडीज ने बच्चों को जन्म नहीं दिया तो उसको कहते हैं नर्वी वेराइटी। नेक्स्ट है ओबेसिटी, यानी कि जिसकी जिसकी फैट ज़्यादा है, यानी कि जो लेडीज है वो ओबेस है, तो उसमें कैंसर हो यूट्रस कैंसर होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाई फैट इंटेक इन डाइट, यानी कि फैट का इंटेक ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा अमाउंट हम फैट ले रहे हैं डाइट में, तो उसकी वजह से रिस्क इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री यानी कि हमारे प्रीवियस टाइम से पूर्वजों में यूट्रस कैंसर के चांस रहे हैं, मतलब यूट्रस कैंसर अकर होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में हाई रिस्क हो जाती है कैंसर इंक्रीज होने की। नेक्स्ट है लेट मेनोपॉज, मेनोपॉज का होता है यानी कि सीजेशन, परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंसेस, यानी कि जो मेंसेस है उसकी जैसे नॉर्मल टाइम है उससे ज़्यादा टाइम लेके मेंसेस स्टॉप होने में, तो उस कंडीशन में भी हमें यूट्रस कैंसर होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटरी, नेक्स्ट है स्मोकिंग, ठीक है। तो और फिर इसके बाद है नेक्स्ट कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी कि एंडोमेट्रियल कैंसर अकर होता है विद द ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, यानी कि ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है एंडोमेट्रियल कैंसर अगर होता है ओबेसिटी और हाइपरटेंशन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, यानी कि कोलोन या रेक्टम में पर्सनल मतलब हिस्ट्री रही हो कैंसर की, उसे हम कहते हैं पर्सनल मतलब कोलोरेक्टल कैंसर। नेक्स्ट है स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस एट अर्ली एज, यानी कि इसका 12 या 13 ईयर है मेंसेस आने की, यानी कि मीनार के आने की, यानी फर्स्ट मेंसेस को मीनार के कहते हैं, तो 13 या फिर 12 ईयर पर होती है, लेकिन ये और जल्दी आ जाए तो उस कंडीशन में भी चांस रहते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन थेरेपी, जैसे कि ट्रोक्सो टेमोक्सिफेन जो ब्रेस्ट कैंसर को यूज करने के लिए हम देते हैं हार्मोन थेरेपी, उस कंडीशन में रिस्क इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इनहेरिटेड कोलन कैंसर सिंड्रोम, उस कंडीशन में भी रिस्क इंक्रीज हो जाती है और उसके कैंसर की यूट्रस कैंसर की। नेक्स्ट है इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो कार्सिनोसार्कोमा, कार्सिनोसार्कोमा क्या होता है, इट कंटेन्स कैंसर सेल्स ऑफ बोथ ग्लैंडुलर एंड सार्कोमेटस स्ट्रक्चर, यानी ग्लैंडुलर यानी कि ग्लैंड फॉर्म में और सार्कोमेटस स्ट्रक्चर दोनों में ये अकर होता है, लेकिन ये रेयरली होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्सिनोमा, दिस दे ऑरिजिनेट फ्रॉम दिस सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल्स, जो एंडोमेट्रियम है उसकी एपिथेलियम के सिंगल लेयर में कार्सिनोमा अकर होता है। नेक्स्ट है सार्कोमा, ये क्या होता है, ये नॉन ग्लैंडुलर कैंसर होता है, ये कनेक्टिव एंडोमेट्रियम के कनेक्टिव टिश्यू में अकर
पर होता है कार्सिनोम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के में एबनॉर्मल यूट्रल ब्लीडिंग क्या है, ये फर्स्ट साइन है यूट्रल कैंसर का। और नेक्स्ट क्या है, बेजानल ब्लीडिंग। और नेक्स्ट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा। और नेक्स्ट है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, बेजानल डिस्चार्ज रहेगा, एनीमिया रहेगा, यानी कि एच बिल्कुल रह जाएगा, पेशेंट है उसको लिथार्जी फील होगा। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, वीकनेस और इरिटेबिलिटी। ठीक है, हम नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में हम उसकी मतलब यूट्रस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, एमआरआई करेंगे। नेक्स्ट है सीटी स्कैन 35 मिनट करेंगे, हिस्टेरोस्कोप करेंगे, इसमें क्या है यूट्रस को विजुलाइज करते हैं। नेक्स्ट है यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे और ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे और एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या है सर्जिकल थेरेपी। सर्जिकल थेरेपी दो तरीके से कर सकते हैं, एब्डोमेनोहिस्टेरेक्टमी, इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ यूट्रस थ्रू एब्डोमेन। यानी क्या होता है, यूट्रस को भी एब्डोमेन में कट लगा के यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ ओफरेक्टमी, इसमें क्या होता है फेलोपियन ट्यूब और ओवरी दोनों को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है रेडियो थेरेपी, यानी रेडिएशन का यूज करके हम ट्रीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कीमोथेरेपी, यानी कीमोथेरेपी का यूज करके डेस्ट्रॉय करते हैं कैंसर सेल्स को। नेक्स्ट है हार्मोन थेरेपी, इन दिस थेरेपी ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड टू डिक्रीज हार्मोन लेवल इन द बॉडी। हार्मोन थेरेपी हार्मोन लेवल को बॉडी में डिक्रीज करने ड्रग्स एडमिनिस्टर करी जाती है, हार्मोन लेवल को बॉडी में डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट मैं बताऊँगी नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो आयरन रिच डाइट लें, क्योंकि उसको एनीमिया के चांस रहते हैं। और उससे कहेंगे बेड रेस्ट के लिए, और उसकी एंगजाइटी को रिड्यूस करेंगे साइकोलॉजी का सपोर्ट देंगे और एडमिनिस्टर करेंगे जो डॉक्टर ने ड्रग प्रिस्क्रिप्शन कर लें। थैंक यू, अगर आपको मेरा